नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्रा ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल कैसे होंगे ग्रह योग कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं कौन से निर्णय आपको लेने हैं कौन से निर्णय आपको टालने हैं सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी बारह राशियां हैं इन सभी बारह राशियों का सन 2022 का राशिफल क्या होगा इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप उसका आनंद जरूर लीजिए तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का सन दो का संपूर्ण राशिफल सबसे पहले आपके राशि का जो स्वामी है मंगल उसके बारे में चर्चा करेंगे मंगल जो ग्रह है ये आपके राशि में ही भ्रमण कर रहा है और ये आपका आपके राशि का स्वामी भी है और आपके षष्ठ स्थान का स्वामी भी है और ये आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 17 जनवरी के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो आप ही के राशि का स्वामी मंगल आपके राशि में भ्रमण करने से आपको जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा जो भी आप काम हाथ में दोगे वो पूरा होता हुआ नजर आएगा सिर्फ यहाँ पर भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो भावनाएँ दिखाती नहीं है मन ही मन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाली राशि है लेकिन भावनाएं मन में ज्यादा होने के कारण कभी कभी वो फूट कर बाहर भी आ जाती है इसी वजह से आपका जो रुद्र अवतार है वो भी दिख जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा उसी प्रकार जैसे ही सत्रह जनवरी के बाद यह जो मंगल है आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो पैसे के मामले में कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है मतलब पैसे के मामले में जो भी महत्वपूर्ण बात है जहाँ से आपको पैसे आने आ सकते हैं लेकिन खर्चे भी ज्यादा होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है खास करके घर के जो लोग हैं उनके लिए खर्चे हो सकते हैं बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपकी जो वाणी है उसके ऊपर भी ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा आपकी जो वाणी है तो वो तीखे होने के कारण आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं दिनांक 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक का जो समय है इसमें यह जो मंगल है यह मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा अब यह जो कालावधि है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और शुभ फलदायी भी साबित होगा आप बहुत ज़्यादा एक्टिव इस कालावधि में दिखाई दोगे जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे अगर कोई भी काम कई दिनों से नहीं हो रहा है उसमें रुकावटें आ रही हैं तो वो जो काम है वह हाथ में आप ले सकते हो और वह पूरे होते हुए भी नजर आएंगे हालाँकि यहीं पर मतलब आपके तृतीय भाव में ही शनि का भी भ्रमण है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो भी आप काम करोगे उसमें सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा उसी प्रकार दिनांक आठ अप्रैल से लेकर तेरह अप्रैल तक का समय जो है दिनांक आठ अप्रैल से लेकर अठारह मई तक का जो समय है इसमें यह जो मंगल है आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है हालांकि इसका कोई बड़ा कारण या फिर इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकिन आपका जो मूल नेचर है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि आप आपके मन में जो भी बात आती है जैसे हमने शुरुआत में कहा वो बोल के नहीं दिखाते लेकिन ऐसी एक सीमा आती है उस सीमा के बाद आप आपकी जो भावनाएं हैं वो जोरों से बाहर निकलती है तो सामने वालों को पता नहीं चलता बस इसी का अनुभव घर के जो लोग हैं उनका आ सकता है तो जो भी बातें हैं आप जितना ट्रांसपेरेंसी दिखाओगे उतनी अच्छी होगी नहीं तो आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं उसी प्रकार ये जो मंगल है ये मंगल दिनांक अठारह मई से लेकर अट्ठाईस जून तक का जो समय है उसमें आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा अब यह कालावधि बहुत ही अच्छा और शुभ शुभफलदायी साबित होगा अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इस कालावधि में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन्स आ सकते हैं तो ध्यान रखिए उसी प्रकार जो वृश्चिक राशि की महिला गर्भधारणाएँ जिन्होंने की है उनके लिए भी ये कालावधि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी उसी प्रकार दिनांक 29 जून से लेकर करीबन 10 अगस्त तक का जो समय है इसमें यह जो मंगल है आपके ष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहाँ पर राहु का भी भ्रमण देखा जाएगा तो ध्यान रखिए हालांकि जो मंगल है आपके षष्ठ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा इसका एक यह उपयोग भी होगा या फिर जो लाभ है वो भी होगा कि जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति जॉबलेस है जिनको जॉब नहीं मिल रहे उनके लिए यह मंगल का भ्रमण काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा लेकिन जो सद्य स्थिति में काम में है उनके लिए जो मंगल का भ्रमण है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो वहाँ पर वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो बात अगर आप किसी वैधि से तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं देखिए यहाँ पर एक बात जान लेना काफी ज्यादा आवश्यक है जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि यहाँ पर राहु भी विराजमान है तो सेहत के बारे में आपको चौकन ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा क्योंकि आपकी जो राशि है वो नॉर्मली होए, अपनी से कोई बात नहीं कहती तो ऐसी वैधियाँ हो सकती है जिसके बारे में जिसका रीजनिंग डॉक्टर को नहीं होगा और वो व्याधियां बढ़ भी सकती है क्योंकि जो राहु है वो इसी प्रकार की व्याधियां आपके लिए तैयार कर सकता है तो अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर तुरंत काम करना ज्यादा आवश्यक होगा दिनांक 11 अगस्त से अगस्त से लेकर सत सत्रह अक्टूबर का जो समय है इसमें ये जो मंगल है आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा तो यहां पर अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं ऐसा कुछ भाव भी आपके मन में आ सकता है जिस वजह से आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा खिंचाव आ सकता है तो ध्यान रखिए उसी प्रकार ये जो मंगल है सत्रह अक्टूबर के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और इकतीस अक्टूबर को ये आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेगा तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी सेहत के बारे में अगर कोई लक्षण दिखाई दे दे तुरंत उसके उस पर काम करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा क्योंकि वक्री जो मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके सेहत के बारे में प्रॉब्लम ला सकता है उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनके साथ भी आपकी ज़्यादा नहीं जा जमेंगे और ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना किसी भी क्षेत्र का हो अगर आप करते हो तो वो काम तो नहीं होगा और उसमें आप फंस जाओगे कभी कभी होता क्या है कि हम थोड़ा सा इन कुछ काम कर देते हैं हालांकि हम देखते हैं कि बाकी लोगों के लिए वो काम काफी सहज हो चुका है इसीलिए हम भी रिस्क लेते हैं लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो तो उसमें आप फंसने की संभावना काफी ज्यादा बनती है तो ध्यान रखिए ये बात जान लेना काफी ज्यादा आवश्यक होगा इकतीस अक्टूबर के बाद यह जो अष्टम स्थान का जो मंगल है वह वक्री होकर दिना चौदह नवंबर को आपके सप्तम भाव में वक्री होके यह जाएगा और यहाँ पर फिर से आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनसे आपके जो ताल्लुकात है वो इतने नॉर्मल नहीं रहेंगे तो एक बात ध्यान में लीजिए कि करीबन 11 अगस्त से ये जो मंगल आपके सप्तम भाव में जाएगा वहाँ से लेकर करीबन इस साल के 2022 के अंत तक आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेंगी तो ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उस प्रकार शनि के बारे में अगर देखा जाए तो शनि जो ग्रह है ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं की राशि राशि में दिनांक 30 अप्रैल को यह जो शनि है यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और 5 जून के यह आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो के फिर से आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा 13 जुलाई को और दिनांक 23 अक्टूबर को ये फिर से मार्गस्थ हो जाएगा आपके तृतीय भाव में तो देखिए ये जो मंग ये जो शनि है ये आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में वक, जाएगा और फिर से वक्री होकर तृतीय भाव में आ जाएगा लेकिन यह शनि स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है चाहे वो तृतीय भाव में हो या फिर चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करने के कारण इसका जो परिणाम है वो आपको अशुभ परिणाम ज़्यादा नहीं मिलेंगे हालांकि जो शनि है वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी ग्रह है लेकिन यह स्वयं के राशि में भ्रमण करने के कारण इसके अशुभ परिणाम ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे हालांकि तृतीय भाव में जो शनि है वो आपके स्वयं के राशि में होने के कारण जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे चतुर्थ भाव में जैसे ही ये शनि वक्री हो जाएगा करीबन पाँच जून से लेकर तेरह जुलाई तक तो इस कालावधि में तेईस जुलाई तक तो इस कालावधि में होगा क्या कि आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है लेकिन इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो जो शनि का भ्रमण आपके तृतीय व चतुर्थ भाव में होगा वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वह शुभ फलदायी होगा कम से कम वो आपको लिए अशुभ परिणाम नहीं देगा अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके राशि के लिए शुभ फलदायी भी ग्रह है यह जो गुरु ग्रह है यह गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 14 अप्रैल के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा अब जैसे ये चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो चतुर्थ भाव का जो भ्रमण है गुरु का वह अशुभ कहलाता है लेकिन आपके राशि के लिए शुभ फलदायी है लेकिन फिर भी दिनांक चौदह अप्रैल तक जो दो तीन बातें हैं वो ध्यान में रखना ज्यादा आवश्यक होगा यह जो गुरु है यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से यह आपके दशम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से यह आपके व्यय भाव को देखेगा तो करीबन चौदह अप्रैल तक का जो समय है उसमें खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा और इस दरमियान मतलब चौदह अप्रैल तक आप किसी भी प्रकार के जो लोन जिसे हम कहते हैं या फिर प्रोमिस करना कमिटमेंट करना या फिर रिस्क लेना ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना इसके बाद जैसे ही ये ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो यह जो भ्रमण है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा पिछले कई महीनों से आपके लिए जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं हो रहे जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है लेकिन जो गुरु जैसे ही आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा इसके कुछ अच्छे और शुभ परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे क्योंकि यह स्वयं के राशि में भी भ्रमण कर रहा है यह जो गुरु है यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से यह आपके लाभ भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आप ही के राशि को देखेगा जो कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है यह जो गुरु काफी ज़्यादा बढ़ाएगा और जो लक फैक्टर जिसे इनकम कहते हैं कि लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कई दफ़ा हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन थोड़ा सा लक का जो हमें साथ चाहिए वो नहीं मिलता भाग्य का साथ नहीं मिलता जिस वजह से जो भी हम काम करते हैं उसमें पिछ, पिछड़े हुए नज़र आते हैं लेकिन यह जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा चौदह अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो काफ़ी ये बढ़ाएगा और भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा तो इस कालावधि में जो भी आपके रुके हुए काम है जो नहीं पूरे हो रहे हैं आपके मन में किसी भी प्रकार की बड़ी योजना है वो अगर आप इम्प्लीमेंट के लिए आप चाहते हो तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी उससे कुछ लाभ भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे तो ये जो गुरु का भ्रमण है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी होगा उसी प्रकार जो वृश्चिक राशि के महिला गर्भार है गर्भधारणा जिन्होंने की है उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफ़ी अच्छे लाभ आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी ये जो गुरु है आपके लिए शुभ फलदायी होगा जो विवाह उत्सुक जो लोग हैं वृश्चिक राशि के पुरुष हो या स्त्री हो उनकी विवाह होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा हालांकि ये जो गुरु है वो पंचम भाव में वक्री भी होने जा रहा है दिनांक 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का जो समय है इसमें ये जो गुरु आपके पंचम भाव में वक्री होगा लेकिन स्वयं के राशि में वक्री होने के कारण इसके बहुत अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे तो इसके लिए जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आस्पेक्ट है और उसके कुछ अच्छे कुछ या या से या कुछ में आ, कहने से पहले उसके सभी प्रकार के आपके आपको शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में राहु जो ग्रह है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है जो केतु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है तो ये जो राहु है दिनांक तेरह अप्रैल को आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा जो केतु है वह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा अब ये राहु केतु के जो भ्रमण है वह आपने महसूस किए हैं केतु आपकी के राशि में भ्रमण कर रहा था और जो राहु है वह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन एक से डेढ़ साल में आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें बहुत सी ऐसी बातें हो रही थी या फिर हो रही है जो जिसके वजह से आप दोनों में आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा तनाव आया था काफ़ी ज़्यादा खटास आई थी और आपने भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा आपके मतलब आपने बहुत ज़्यादा ऐसे आपके मन में नेगेटिव विचार भी आए रहेंगे लेकिन जैसे ही ये राहु ग्रह भ्रमण करेगा तेरह अप्रैल के बाद आपके ष्ठ भाव में आप में और आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार हैं उनमें फिर से अच्छी हारमोनी देखी जाएगी आप दोनों में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री देखी जाएगी तो इसका अनुभव आप जरूर करोगे तो ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है तो जो राहु है वो वो जो ज़्यादा मिसगाइड करता है और बुद्धि जो है वो भ्रमित करता है उसके जो सुपरिणाम है जैसे ही ये राहु या फिर केतु आपके सप्तम या फिर आप ही के राशि से वो आपके ष्ठ और वीय भाव में भ्रमण करेगा तो उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पर एक बात है जो कि राहु आपके जैसे ष्ठ भाव में भ्रमण करेगा तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है जहाँ पर आप काम करते हो नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु होते हैं मतलब ऐसे लोग जो कि आपके सामने काफ़ी अच्छे बोलते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं उनसे थोड़ा बश कर रहे ना जो केतु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा इसका एक परिणाम होगा कि अगर आप किसी भी प्रकार का जो लोन या फिर कर्ज जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना रिस्क नहीं लेना हालांकि जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है लेकिन सोच समझ के जो भी लोन या फिर कर्जा है वो आप ले सकते हो तो ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है उसी प्रकार इस साल के जो महत्वपूर्ण जो ग्रह योग है वो भी जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है होगा जैसे कि रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में इस युति का जो कालावधि इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा दिनांक दो फरवरी से लेकर सात फरवरी तक तो इस कालावधि में जो भी आप काम हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे लेकिन यहाँ पर किसी से भी प्रॉमिस या फिर कमिटमेंट करना इस कालावधि में अगर आप टाल सके तो टालो लेकिन जो भी महत्वपूर्ण काम है कहीं घूमना फिरना है वो हाँ आप हाथ में ले सकते हो उसी प्रकार रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके भाव में अब यह जो युति है वो पांच मार्च को होने जा रही है और उसका जो प्रभाव होगा वह देखा जाएगा दो मार्च से लेकर करीबन सात आठ मार्च तक तो इस कालावधि में अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हो कोई नई वास्तु लेना चाहते हो तो ये जो कालावधि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें कई ज़्यादा जो वास्तु के संदर्भ में जो भी बातें हैं वो हो सकती है अगर आपके एग्जिस्टिंग अगर आपकी कोई वास्तु या फिर घर नहीं बेचा जा रहा है तो इस कालावधि में इसके संदर्भ में कुछ अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी अच्छे आ सकती है उसी पहले अगर मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में और यह जो युति है दिनांक पाँच अप्रैल को होने वाली है और उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा दो अप्रैल से लेकर करीबन सात आठ अप्रैल तक अब यह जो युति है आपके लिए अशुभ पर परिणामी होगी यहाँ पर दो तीन बातें हैं जान लेना काफ़ी ज़्यादा हो आवश्यक होगा इस कालावधि में किसी भी प्रकार की जो ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं करना किसी को प्रॉमिसेज कमिटमेंट भी बिल्कुल नहीं करना स्वास्थ्य के बारे में जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है स्वास्थ्य के बारे में एक्सीडेंट प्रोन ये जो कालावधि आपके लिए हो सकता है तो ध्यान रखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है तो इसके ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक होगा उसी प्रकार तेरह मई को रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में अब यह जो युति है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन दस मई से लेकर सोलह मई तक ये जो कालावधि ग्रहण कालावधि भी है इसमें दो बातें जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके कार्य क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार के रिस्क इस कालावधि में नहीं लेना किसी भी प्रकार का निर्णय इस कालावधि में नहीं लेना अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के यहाँ पर भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना कर पड़ कर, सक करना पड़ सकता है आपके जो वरिष्ठ हैं उनसे आपको नहीं जंगे जमेंगे हालांकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये बात हो सकती है लेकिन अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो तो वहाँ पर भी किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना भाव में बहकर क्योंकि आपकी जो राशि है वो किसी भी प्रकार के डिसीजन लेते समय किसी के साथ डिस्कस नहीं करते अपनी जो वो किसी के साथ नहीं तो इसके ऊपर यह जो, यह जो काला पर्टिकुलर कालावधि है इस योग का वो निकल जाने के बाद अगर आप डिसीजन लेते हो सोच समझ कर तो वो सही हो सकते हैं उस प्रकार मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में अब यह जो ग्रहयोग है उनतीस मई को होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन छब्बीस मई से लेकर तीन से चार मई जून तक अब यह जो ग्रह योग है बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी ग्रह योग है और इस दरमियान कुछ अच्छी बातें आपके लिए हो सकती है खास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो यहाँ पर कुछ अच्छे ट्रेड आपके साथ हो सकते हैं कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं उसी प्रकार जो व्यक्ति रिलेशनशिप में है उनके लिए भी ये संपूर्ण कालावधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा जो भी आप काम हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे उसी प्रकार मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में अब यह जो कालावधि है वो भी थोड़ा सा डेंजरस है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन अट्ठाईस जुलाई से लेकर तीन से चार अगस्त तक अब यहाँ पर भी आपके स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा चीटिंग आपके साथ हो सकती है ट्रस्ट आप वैसे भी किसी के ऊपर नहीं करते लेकिन इस कालावधि में आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करोगे तो वह ट्रस्ट आपको रिवर्स में नहीं मिलेगा आप फंस सकते हो तो बड़े निर्णय इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार पाँच नवंबर को रवि और केतु की युति होने जा रही है आपके वैय्य भाव में यहाँ पर भी दो तीन बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी बातें इस कालावधि में नहीं करना इसका यह जो योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा तीन नवंबर से लेकर करीबन सात नवंबर तक तो इस कालावधि में कोई भी बड़े डिसीजन चाहे वो आपके किसी भी क्षेत्र के बारे में आपके जीवन के वो नहीं कर लेना चाहे वो आर्थिक हो सामाजिक हो आपके कार्य क्षेत्र के बारे में हो किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में है वो बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार शुक्र जो ग्रह है यह शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वे वक्री अवस्था में तो दिनांक 28 जनवरी तक यह जो शुक्र है यह शुक्र आपके द्वितीय भाव में वक्री चलेगा यहां पर अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी नहीं जमेगी तो इसी के चलते अगर किसी भी बात से अगर आप नाराज हो या फिर बातें जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रही है तो इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना क्योंकि अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है उसी प्रकार दिनांक 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक 10 मई से लेकर 6 जून तक 10 सितंबर से लेकर 5 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का जो समय है इस समय में बुध वक्री रहेगा आपके तृतीय भाव में उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में और आपके लाभ भाव में तो ये जो कालावधि मैंने गिनवाए इस कालावधि में आपको सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा उसी प्रकार इस कालावधि में आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा कुल मिला देखा जाए तो आपके राशि के लिए मतलब वृश्चिक रुच्च, राशि के लिए ये जो संपूर्ण साल है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा पिछले कई महीनों में या फिर सालों में आपने ऐसा जो शुभ कालावधि देखा नहीं होगा इसका जो अनुभव है वो आप इस साल में कर सकते हो और खास करके अः चौदह अप्रैल के बाद का जो समय है मतलब जैसे ही गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो वह कालावधि आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक होगा तो दोस्तों यह था वृश्चिक राशि का 2022 का संपूर्ण राशिफल आपको यह राशिफल कैसे लगा आपने किस तरह से अनुभव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना है जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद